हमारे देश का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। ये सोच जिस देश के प्रधानमंत्री की हो, उस देश में भला रोजगार की दिक्कत कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच से बनी तस्वीर भारत में भी दिखाई दे रही है। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY के तहत अब तक 85 लाख युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं। अपनी इस योजना के तहत 1 करोड़ एम्प्लॉइज के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा था। मतलब अपने ही लक्ष्य को मोदी सरकार अपनी ही डेडलाइन से काफी पहले पूरा करने को तैयार है। अपनी इस योजना में सरकार प्रत्येक हायरिंग के लिए एम्प्लॉयर को वित्तीय सहायता देती है। सरकार ने इस योजना पर तकरीबन 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस योजना के तहत जहां एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है, तो वहीं बड़ी संख्या में वर्कर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिल जाती हैं। PMRPY के तहत 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम वेतन वाले एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के पूरे योगदान का सरकार ही भुगतान करती है। ये रोजगार के पहले 3 सालों तक चलता है। अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO का डेटा देखें, तब भी आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार रोजगार को लेकर किस हद तक प्रयासरत है। इस साल अगस्त तक के 12 महीनों में ही 25 साल से कम उम्र के सेगमेंट में लगभग 47 लाख नई नौकरियां दी गई हैं। बीते बजट में सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का नतीजा अब दिखाई दे रहा है। रोजगार के नाम पर मोदी सरकार को निशाने पर लेने वालों के लिए ये आंकड़े किसी तमाचे से कम नहीं है।